गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संधि कंटिन्यू करते हुए आज हम संधि पढ़ेंगे पूर्व रूप और पररूप संधि। ये स्वर संधि के दो अन्य पार्ट हैं जिनका हम पढ़ेंगे, दो भाग हैं। पूर्व रूप संधि में सूत्र है एंगल पदांता दति, ये सूत्र है। इसकी डेफिनेशन देखो, वैसे इसको ये जो है अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे है, यहाँ पर यदि ए ओ के बाद अ आए, यानी ए ओ स्वर के बाद अ आए, तो दोनों मिलकर पूर्व रूप अर्थात ए और ओ एकादेश हो जाता है तथा अ अवग्रह में बदल जाता है। ये जो साइन है, ये जो बाद वाला अ जो आता है वो इस साइन में बदल जाता है और इसको उच्चारण भी अ ही करते हैं। देखो कैसे होता है, यहाँ पर देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पर देखो जब पहले पार्ट में ए आता है, बाद में अ आता है, तो हालांकि यहाँ अयादि संधि दिख रहा है, ए के बाद कोई भी स्वर आता तो अयादि संधि होती, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए के बाद अ आता, क्योंकि ये पूर्व रूप संधि है जो अयादि संधि का ही अपवाद होता है। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पूर्व रूप संधि होती है। देखो पहले में ए आया है, ए के बाद अ आया, तो चेंजेस क्या होगा, ए वैसे कैसे रहेगा, अ का रूप बदल जाएगा और अवग्रह बन जाएगा। कई बार आप देखते हैं ऐसे लिखा हुआ आता है, ये अवग्रह, ठीक है, इसे अवग्रह कहते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसको अ ही पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ अ का रूप बदला है, उच्चारण वही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो जब भी ए आता है, ए के बाद अ आया है, तो वो क्या बन जाएगा, ए वैसे वैसे रहेगा और अ अवग्रह में बदल जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी ओ आएगा, ओ के बाद जब अ आता है तो ओ वैसे ही रहेगा और वो अवग्रह में बदल जाएगा, अ अवग्रह में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखो हरे प्लस अ, यहाँ पर देखो ए आया है, ए के बाद अ आया है, तो हरे में ए ऐसे कैसे ले लिया मैंने और अ क्या हो गया, अवग्रह में बदल गया, तो वर्ड बन गया हरे अव। उच्चारण इसका अ ही रहेगा, सिर्फ रूप बदलेगा, ये एस नहीं है, ये अवग्रह है। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते हो अभी, जैसे ये देखते हो ना, ये एग्जाम्पल है, इस तरह का आपने देखा होगा को, फिर यहाँ लिखा हुआ था और ये, और आप इसे पढ़ते हो ओडपी, ओडपी नहीं होता, इसे अ होता है, अ होता है, और ये अ का रूप बदला हुआ और इस साइन को अवग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है हरे प्लस अव, अब यहाँ पर देखो सो प्लस अवधत, देखो ओ के बाद अ आया है, तो यहाँ पर देखो ओ ऐसे कैसे है, सिर्फ अ जो है अवग्रह में बदल गया, तो सो अवधत ऐसे हो गया। मुने प्लस अत्र, ए के बाद अ आया है, तो ये मुने ऐसे कैसे, मतलब ए ऐसे कैसे रह गया और अ बदल गया अवग्रह में और मुने अत्र हो गया, ठीक। इसी तरह से वृक्षे अपि रामो असत, ठीक है, ओ के बाद अ आया है, तो ओ के बाद अ आया तो वो अवग्रह में बदल गया, तो रामो असत। विष्णु प्लस आओ, तो विष्णु आओ, ठीक है। तो ये है पूर्व रूप संधि, जब भी ए के बाद अ स्वर आता है तो अ अवग्रह में बदलता है, ए और ओ अपने रूप में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर रूप संधि, ये तो स्वर संधि के ही टाइप है, ये जो है वृद्धि संधि का अपवाद है। हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी, अ के बाद ए ऐ औ आता है तो वो वृद्धि संधि, तो ये पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ स्वर से प्रारंभ होने वाली धातुएं आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर रूप आदेश अर्थात ए ओ आदेश हो जाता है। कैसे होता है वो देखो, इसमें क्या होता है पर रूप संधि में पहले अ आता है और फिर ए आता है, जब अ के बाद ए आता है तो सीधी सी बात है वृद्धि संधि होती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, देखो इसमें पहचान ये की है कि जब कभी भी इसका एग्जाम्पल आएगा तो आगे जो होगा वो उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा और वो उपसर्ग अ पर खत्म होगा, आपको यही ध्यान रखना है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि यहाँ उपसर्ग नहीं होता, कोई भी वर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर जो है कि हम पर रूप संधि में देखेंगे कि पहला जो टुकड़ा होगा उसमें कोई उपसर्ग होगा, जैसे ये देखो प्र उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और उपसर्ग भी कौन सा होगा जिसके अंत में अ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होगी, जैसे एजते है, औषधि है, ये धातुएं हैं, ये धातु होगी तभी पर रूप संधि होगी, वहां वृद्धि संधि नहीं होगी, क्योंकि ये वृद्धि संधि का अपवाद है। सीधे सीधे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जहां पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि अ के बाद ए आया है तो वृद्धि संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है क्योंकि पर रूप संधि उसी कंडीशन में होगी जब अ से युक्त उपसर्ग हो, अर्थात
पहले टुकड़े में उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग भी कौन सा होना चाहिए? जो अ पर समाप्त होता है, जिसके अंत में अ स्वर हो, और उसके बाद ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होगी उसी में पररूप संधि होगी। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि और पररूप संधि में थोड़ा बदलाव है, चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते प्र प्लस ए देते, अब देखो इनको जोड़ेंगे तब क्या होगा, इसमें क्या होता है प्र प्लस ए देते हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, अ हट जाएगा और पीछे वाला सीधा सा है, इसमें सीधा डायरेक्ट जुड़ जाएगा, इसमें से अ हटा ए इसमें जुड़ा तो वर्ड बन गया प्रयजते। ठीक है, इसमें से भी देखो उपमेय से अ हटा और पीछे ओ जुड़ गया तो उपोषति। तो यहाँ पर देखो प्र उपसर्ग है, इसके अंत में अ स्वर है, ठीक है, और पीछे धातु आई है ए से शुरू होने वाली, इसका मतलब कौन सी संधि हो गई? पररूप संधि हो गई। ठीक है, इसमें एक और आगे देखते हैं कि एक अगर सकंदवादी शब्दों में पररूप एकादेश होता है, कुछ वर्ड्स निश्चित दिए गए हैं उनके अनुसार क्या होता है कि ये डायरेक्ट इसमें जो है पररूप आदेश होता है। अर्थात कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या है शब्द प्लस अंधु, यहाँ पर देखो अ है, इस अ को हटिया और डायरेक्ट अ इसमें जुड़ जाएगा, वर्ड बन जाएगा सकंदु। यानी कुछ वर्ड्स निश्चित किए गए जिनमें भी पररूप संधि होती है। यहाँ पर देखो मनस प्लस ईसा, देखो यहाँ रूल अप्लाई क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें रूल्स क्या होता है। एक संस्कृत में टी संज्ञा वर्ड कहा जाता है, टी संज्ञा उसका मतलब होता है कि जो अंतिम स्वर होता है। अब इस वर्ड में हम अंतिम स्वर देखते हैं कि इस वर्ड में हम अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर देखेंगे यहाँ पर अ है। देखो मैं मनस को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है, देखो मनस प्लस ईशा, ये मैं एक समझूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इसमें नियम क्या कहता है कि पररूप संधि में एक दूसरा रूल है, और रूल क्या है, जो अंतिम स्वर होता है ये अंतिम स्वर, ठीक है, अंतिम स्वर के बाद जितने भी वर्ण है उनका लोप हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर करूँ मान ना और अंतिम स्वर अ और पीछे स है, जब मैंने इनको अलग किया तो इसका क्या हो जाएगा लोप, और पीछे है ईशा और इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास वर्ड बन जाएगा मनीषा। इसे टी संज्ञा कहते हैं, टी संज्ञा का तात्पर्य यह होता है, हालांकि आपके लिए इतना उपयोगी नहीं है, आपके लिए नॉर्मल लेवल पर जो है पररूप संधि है तो उसमें आप देखोगे कि जब कोई भी वर्ड का जो अंतिम स्वर होता है, जैसे स का, क में अ था उसका लोप हो गया, इसमें देखो अंतिम स्वर, अंतिम स्वर इसमें अ है और पीछे स था तो पीछे जितने भी वर्ड होंगे वो सारे जो है लोप हो जाएगा और डायरेक्ट ये वर्ड उसमें जुड़ जाएगा। जैसे देखो कर्क प्लस अंधु, तो कर्क है, कर्क में अंतिम स्वर अ था उसका लोप हो गया और पीछे कर्क का बच गया और पीछे अंधु है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा कर्कंधु। ठीक है, तो इस तरह से है ये इसका सेकंड नियम। तो सकंधु और ऐसे और दो तीन वर्ड्स जो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके ये पूर्व रूप और पररूप संधि कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो आपको जो है मुझे जूम पे आप पूछ सकते हो, जूम क्लास में। एक बार ध्यान रखना ये संधि है, इसमें एग्जाम्पल कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल है, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी जूम क्लास को मैं और आपको इससे भी ज्यादा क्लियर करूँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।